अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए एक स्पेशल अतर लेके आया हूँ, क्योंकि आज की जो रात है दोस्तों वो बहुत ही स्पेशल है। आज शबे बारात है, आप सबको मेरी तरफ से शबे बारात बहुत मुबारक। मैं ये जानना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के दिन आप लोग कौन सा अतर लगाने वाले हो और आप क्या क्या करने वाले हो। अपने भाई को कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखना। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अब्दुल समद अल कुरैशी का एक बहुत ही खास अतर लेके आया हूँ। इसके बारे में मैंने पीछे एक वीडियो रखी डाली थी, तो आप लोगों ने बताया था कि इसका रिव्यू करिए, हमें रिव्यू करके बताया। इसका नाम है सुल्तान ब्लेंड और ये अब्दुल समद अल कुरैशी ब्रांड से है। अब्दुल समद अल कुरैशी दोस्तों सऊदी का ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है वहाँ पे। और आज मैं आप लोगों के लिए इनका ये खास अतर लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको अनबॉक्स करके बताऊँगा। तो बॉक्स पे जो है वो अल सुल्तान ब्लेंड लिखा हुआ है और आगे कंपनी का नाम जो है वो लिखा हुआ है अब्दुल समद अल कुरैशी 12 ml की साइज़, और ऊपर भी इनका एक जो लोगो होता है वो मेंशन है। और ये ऐसे ओपन होता है, बॉक्स काफ़ी हेवी है और अंदर जो है ये फुली वेलवेट का है। और बाकी आप बोतल देख सकते हो, ये एक और नीचे जो है एक सेफली एक रिबन दिया है, जिससे आप इसे पुल करोगे तो बोतल ऊपर आ जाती है। और आगे बोतल जो है वो फुली हैंड कट क्रिस्टल ग्लास बोतल है। यहाँ पे अब्दुल समद अल कुरैशी लिखा हुआ है, यहाँ पे सुल्तान ब्लेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 ml साइज़। नीचे जो है एक वेलवेटी टाइप का इन्होंने रखा है, जिसे आप अगर बॉटल स्टोर करोगे तो वो नीचे ग्लास ब्रेक होने का टेंशन नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बॉटल है और बहुत ही हेवी बॉटल है। ये बॉटल को मैंने वेट किया था तो लगभग 644 grams की ये बॉटल है, और इसमें 12 ml साइज़ का अतर अंदर है। ऊपर जो है ऊपर भी अरबिक में और इंग्लिश में अल सुल्तान ब्लेंड लिखा हुआ है और ASQ का लोगो। और ये ऊपर का जो पार्ट है ये भी ग्लास का है, और ये नीचे जो है ये मेटल एलॉय का कैप है। अब इसे जो अनस्क्रू करके हम ओपन करते हैं, जैसे ये अतर ग्लास लिपस्टिक के साथ में आपको मिलता है, जो इजी टू अप्लाई होता है और इजी टू यूज़ होता है। और कलेक्शन में भी अगर आप कलेक्टर हो बॉटल्स, आपको अगर अतर की बॉटल्स पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये बहुत ही प्रीमियम है। अल सुल्तान ब्लेंड जो है ये स्पेशली फॉर रॉयल्स के लिए बनाया गया था, और खुशबू भी वैसी है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अब ये फुल बॉटल की प्राइस जो है दोस्तों, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो इसे मैंने डीकैन किया है, जिससे आपको आसानी होगी परचेस करने में। ये 1 ml का जो डीकैन है आपको इस तरीके से ऐसी बॉटल्स में मिलेगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 1500 rupees फॉर 1 ml। तो आगे हम परफ्यूम की खुशबू की बात करेंगे। तो ये था इसका अनबॉक्स, चलिए बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसे आपने देखा दोस्तों, इसे हमने अनबॉक्स किया है, कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी बॉटल है। मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बताऊंगा कि इसके नोट्स क्या है और इसकी खुशबू कैसी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनका जो डिस्क्रिप्शन है जो इनकी वेबसाइट पर है वो बताता हूँ, कि ये जो एक स्पेशल ब्लेंड है जिसमें इन्होंने टैफ रोज का इस्तेमाल किया है, कलाकासी ऊद का इस्तेमाल किया है, जो ओल्ड है, लगभग 80 years ओल्ड कलाकासी ऊद है, और इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्रिएट करके इन्होंने ये रॉयल टाइप का ब्लेंड बनाया है। और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत ही स्पेशल रखे गए हैं, क्योंकि ये जो सेंट है ये फॉर सुल्तान, एज ए सुल्तान के टाइप की सेंट बनाई इन्होंने। जो भी वहाँ के सुल्तान लोग होते हैं, जो रिच प्रोफाइल, जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो ऐसी ही खुशबू पसंद करते हैं, और उनको नज़र में रख के ही उन्होंने ये ब्लेंड क्रिएट किया है, अल सुल्तान ब्लेंड। अब कलाकासी ऊद जो होता है दोस्तों, ये गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कलाकासी ऊद को बहुत ही ज़्यादा ये लोग स्पेशल मानते हैं। कलाकासी ऊद भी एक इंडियन टाइप का ऊद है, जो हमारे इंडिया से ही निकलता है, और ये थोड़ा सी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसकी जो टेक्सचर होती है वो थोड़ी ऑरेंजिश बर्गंडी टाइप की होती है। इसकी खुशबू जो होती है वो वेलवेटी स्मूथ सिल्की वॉर्म टाइप की फीलिंग्स देती है, साथ में आपको एक लेमनी टाइप की खुशबू आती है। और ये एक रेजीनेस, ये भी इंडियन ऊद जैसा होता है, लेकिन इसमें वो एनिमेलिक टोन नहीं होता, बल्कि आपको वो थोड़ा लेमनी, थोड़ा स्मूथ सिल्की टाइप का टोन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रीफर करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये बहुत टाइम तक कपड़ों पर महकता रहता है, इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होती है,
और इसे फर्मेंटेड बेरीज की खुशबू होती है, सोर जो होती है, जो खट्टी होती है, मीठी होती है, वैसी टाइप की खुशबू इसमें आती है। इसमें हे नोट भी आती है जो इंडियन ऊद से आती है, और लेदरी नोट भी आती है, और वही स्पेशलिटी दोस्तों कलाकासी ऊद में होता है। और ये जो है ये एजेड कलाकासी ऊद है, जिससे वो सेटल टाइप का जो ऊद होता है, जो मीठा, जो बिल्कुल भी आपको ऑफेंड नहीं करता, परेशान नहीं करता, बल्कि इसकी खुशबू जो है वो स्वीट होती जाती है, प्यारी सी होती जाती है, वैसी खुशबू इसमें आपको टॉप में आती है। उसके बाद में दोस्तों जैसे इन्होंने कहा है कि इसमें इन्होंने तैफ रोज़ का इस्तेमाल किया है। तैफ रोज़ जो है वो सऊदी में ही उनका डिस्टिल्ड होता है, और वहीं का रोज़ ये यूज़ करते हैं, तैफ का रोज़ इस्तेमाल करते हैं इसमें, जो ऊद के साथ में बहुत ही प्यारा बैठता है, और उसकी खुशबू जो होती है वो रोज़ी, हर्बली, मीठी टाइप की होती है, जो बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें थोड़े स्पाइसेस यानी जो ज़ैफ़रान की खुशबू होती है वो भी आती है, साथ में थोड़ी स्पाइसेस जो हमारे इंडियन मसालों की खुशबू होती है वो भी आती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये ऐसा टाइप का ब्लेंड है जो प्रीफर अरबिक टाइप्स जो प्रीफर करते हो ब्लेंड्स वो प्रीफर करेंगे, और जो रॉयल लुक लगाते हैं उसी टाइप का रॉयल लुक आपको गुलाब, ऊद, सैफ्रन और वो जो शमामा टाइप की जो खुशबू होती है वही लगाते हैं, जिससे वो फुल पूरे दिन तक महकता है। और ASQ की जो एक खासियत ये है कि इनके जो भी अत्तर्स होते हैं उनकी क्वालिटी, उनके इंग्रेडिएंट्स और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होती है दोस्तों। तो ये है सुल्तान ब्लेंड दोस्तों आज का हमारा रिव्यू, स्पेशली आज के दिन के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा इस ब्लेंड के बारे में कि ये कैसा महकेगा आपके ऊपर। मेरी स्किन पर ये ऐसा महकता है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और जब आप लोग लगाओगे तो वो कुछ और महक देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं। मैंने अब जैसे कहा कि ऊद जो होता है वो हर एक पे अलग अलग टाइप का महकता है, मुझ पे जो महकता है वो आप पे डिफरेंट महकेगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, हमारा यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं, और फिर से मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आप लोग आज के दिन स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखना, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज आप क्या क्या करने वाले हो। मिलते हैं दोस्तों हम जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशबू फैलाते रहिए, और अपनी भाई की वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज़।